जनपद संभल के चंदौसी के सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में अग्निशमन विभाग ने वर्कशॉप का आयोजन कर छात्र छात्राओं को आग बुझाने के तरीकों की जानकारी प्रदान की। जनपद संभल के चंदौसी में आज अग्निशमन विभाग ने मौलागढ़ के सामने स्थित सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में एक वर्कशॉप का आयोजन कर वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों को आग बुझाने के तरीकों की जानकारी प्रदान की। इस विषय में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष वह हर जनपद की प्रत्येक तहसील के एक स्कूल का चयन करके वहां के बच्चों को आग बुझाने के तरीकों की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उन्हें क्या क्या करना होगा। अभी आपको फायर के बारे में बताया गया, समझाया गया कि अगर आग लग जाए तो किस तरह से आपको उसका बचाव करना है, तो इसमें आपने क्या सीखा और क्या बताएंगे? अगर हमारे स्कूल, पहले सबसे पहले हमें अपने कैंपस को खाली करना होता है, स्कूल कैंपस को अलार्म बजता है उसे हम खाली करना होता है टाइम पीरियड में। कितने समय में? 2 मिनट 30 सेकंड। ठीक, और तो क्या करेंगे? और जब अगर आग लगी होती है तो हमें उसे बुझाना होता है। अगर गैस से आग लगती है तो गीला कपड़ा डालना होता है उसके ऊपर, हमें बोरी है गीली करके बोरी डालनी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सीख चुके हैं, आप आग बुझा लेंगे? जी सर। और लोगों को भी समझाएंगे किस तरह बुझाई जाती है? जी। आपने सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में बच्चों को फायर की टिप्स दी है और उनको बताया कि किस तरह से आग बुझानी है, घबराना नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? ये आज जो है 21 जनवरी को, हर साल 21 जनवरी को होम मिनिस्ट्री के आदेश होते हैं कि पूरे इंडिया में हर तहसील में एक एक स्कूल को आइडेंटिफाई करके सभी बच्चों को इवैक्यूएशन ड्रिल और फायर ड्रिल कराई जाए, जिससे बच्चों को ये जानकारी रहे कि अगर कोई आपदा आ रही है, कोई परेशानी है, मुसीबत है, तो कैसे आपको स्कूल को तेज़ी से अपने उसको प्रेमिसेस को खाली करना है, और बच्चों को जो है फायर के बारे में जो है कैसे आपको कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसे कैसे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि नुकसान जो है फायर के मुकाबले पैनिक से बहुत नुकसान होता है, घबराहट से, भगदड़ से। तो उसे पैनिक को मैनेजमेंट करने के लिए बच्चों को आज जो है रिहर्सल कराया गया कि किस तरह स्कूल में तेज़ी से बच्चे निकले, क्योंकि इवैक्यूएशन का टाइम जो होता है 2 मिनट 30 सेकंड का होता है, तो उसके अंदर ही दो मिनट में बच्चों ने स्कूल को खाली कर लिया। और उसके बाद आग के बारे में बताया कि आग कितने तरह की होती है, कैसे बुझाई जाती है, क्योंकि आजकल हम घरों में सब जगह एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों को एलपीजी की आग के बारे में बताया गया और आग के प्रकार के बारे में बताया गया।